गाइस हमारे क्लिनिक की चल रही है साफ सफाई, तो ओवरऑल ये हो चुकी है साफ सफाई, वाइट वॉश भी करा है, यहाँ पे टचअप बाकी है, यहाँ ग्रेसी है, ये क्लीनिंग का ऑलमोस्ट पार्ट हो चुका है, छोटा मोटा काम बचा हुआ है, फ्लोरिंग क्लियर हो रही है। और मैं आपको दिखाऊँ कौन काम कर रहा है, यहाँ भैया लगे हैं ऊपर के पैनल साफ करने में, यहाँ पे सचित जी साफ कर रहे हैं फ्लोरिंग। ऐसा है, अभी सब हो चुका है, ये क्लीन शटर हो गए हैं, पेंट शटर पेंट हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं शटर भी, यहाँ बोर्ड लग चुका है, लाती हूँ कहाँ। रुजा रुजा भी पिज्जा आ रहा है तेरा रुजा। गाइस हम लोग क्लिनिक पे हैं, क्लिनिक का फाइनल काम चल रहा है, सफाई वफाई अच्छी हो चुकी है, अब थोड़ा पसारा है बस, उसको बाहर ले जाना है, मैंने उसको घर ले जाना है, कार से ले कार लाया था मैं, जो जो है सब साफ सुफ हो चुका है, शटर भी पेंट हो चुके हैं, स्टेप्स भी कलर हो चुके हैं, और सामान इसको ले जाएंगे कार में भर के, बाकी कुछ जो कचरा है उसको सफाई का काम चालू है। ग्रेसी सुबह से आई हुई है, ग्रेसी को लगी है भूख, तो बुलाया है क्लिनिक पे पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा वाला आएगा तो पिज़्ज़ा लेंगे। अभी रेंट पे दिया है दूसरे मैम को, तो उन्होंने भी बोर्ड वगैरह लगा दिए हैं, ऐसा है फिलहाल, अच्छा लग रहा है, पहले बहुत पस कचरा था लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा साफ सुफ कर लिया है, और अच्छा लग रहा है। आ गया डोमिनोज, आ गया डोमिनोज, आ गया, ए ग्रेसी तेरा पिज़्ज़ा आ गया, ये आ गया डोमिनोज, डोमिनोज फिर उन्हें वाटते खूब मला, हा शॉर्टकट माहित आहे इकडचा, तुम्ही खूप दूरून आले, असं आहे का, डॉमिनोज का आ चुका है पिज्जा, और भैया जा रहे हैं, थैंक यू बोलना है उनको, चलो बोलो भाई, ग्रेसी चलो बैठ जाओ फटाफट खाओ, उनका भी टाइम होने तक खाओ, चलो आ जाओ, चल आ जाओ बेटा, अच्छा लगा रे एसी, अच्छा लगा, आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा, चल खाना, ते पण जेवता, तू पण जेव, ये चल खा ले, हैप्पी, मेरी पार्टी हो रही है, ये हमारा क्लिनिक है और यहाँ पे काम चल रहा है और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये क्लिनिक का दूसरा साइड है, हो दे दो काढून दे दो, सब कुछ सफाई अंदर की हो चुकी है, लॉक कौन लगाएगा, काका लाउद्दीन का। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, पिछले दिन काफ़ी बिजी रहे हैं और आज फिर से शुरू हुआ है हमारे व्लॉगिंग का सिलसिला। अच्छा मोमेंट ये है कि आज है 31 मार्च, अब आपको ये व्लॉग कब दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज है 31 मार्च और आज हमारे YouTube चैनल को एक साल हो गए हैं, तो मैडम आपको मुबारक हो YouTube चैनल के एक साल के लिए, आपको भी मुबारक हो, आप ही थे हमारा मेन कंटेंट, तो आज हमारे चैनल को लगभग एक साल हो चुके हैं, कल से नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन टाइमिंग ऐसा मैच हो गया है कि हम निकल पड़े हैं एक और छोटे से टूर के लिए। आपको जैसे खुशहारी ने बताया था, हम जाने वाले थे श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, वैष्णो देवी, जम्मू और वापस नागपुर, लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि जिनके पास हम जाने वाले थे, जो कर्नल साहब थे, जो खुशहाली के फ्रेंड और मेरे फ्रेंड थे, वो उनकी हो गई है ट्रांसफ़र और उन्हें इमीडिएट वो पोस्ट छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं तो वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, आप आ जाओ, आप घूम लो, मैं आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, लेकिन यार हमको ऐसा लगा कि उनके एब्सेंस में वहाँ जाना, आर्मी रिस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाके रहना, ग्रेसी है हमारे साथ और वो होते तो बात कुछ और होती, वो नहीं है, तो हमने सोचा कि जाने दो, श्रीनगर वगैरह तो हम जा चुके हैं, फ्यूचर में कभी ना कभी तो और एक चक्कर मार ही लेंगे, लेकिन अभी नाम आया है वैष्णो देवी माता का, तो हमने सोचा कि चलो वैष्णो देवी चलते हैं, तो इस सिलसिले में मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े, तो हमने श्रीनगर का टूर कैंसिल कर दिया, अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए। उसके लिए मुझे 29 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी जो थी डायरेक्ट नागपुर से श्रीनगर, मतलब वाया दिल्ली, तो वो मुझे कैंसिल करनी पड़ी, उसमें मुझे लगभग 11,000 का फटका पड़ा है क्योंकि 3,500 का मेरा टिकट का लॉस हुआ है, लेकिन
वो मैंने कैंसिल करने से पहले मैंने सोचा पहले एक रेलवे का टिकट देख लेता हूँ। अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि माता ने बुलाया है, तो मुझे भी आजकल उस पर थोड़ा सा मतलब बिलीफ या विश्वास होने लगा है, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि वैष्णो देवी माता का मैंने नाम लिया और मैंने सोचा कि चलो रेलवे का टिकट देखता हूँ यार, मुझे राजधानी में भी कन्फर्म मिल गया, दिल्ली तक, दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस में जाना था वो भी हमने देख लिया, उसमें भी मुझे कन्फर्म टिकट मिल गया। तो बात ऐसी है कि माता ने जैसे बुलाया है, हेलीकॉप्टर भी टिकट बुक हो गया भैया, तो सभी टिकट मुझे कन्फर्म मिल गए हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि श्रीनगर कभी और जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ग्रेसी को और खुशहाली को पहली बार और मेरा तीसरी बार माता जी को मिलने का वक्त आ गया है, उनको दर्शन लेके आते हैं और आपको भी उनके दर्शन करवाते हैं। फ़ोन अलाउड है नहीं अलाउड है, जितना हो सकेगा आपको दिखाएंगे। अभी चलिए तो सही, तो अभी निकलते हैं नागपुर के लिए और आपको मिलते हैं नागपुर के रेलवे स्टेशन पे। या अभी निकलते हैं, चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं श्री माता वैष्णो देवी की जर्नी। चलिए नए साल की शुरुआत करते हैं। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। ये ओ मैडम सारे बोलो जय माता दी। अब हम नहाएंगे धोएंगे फिर निकलेंगे खाना वाना खाके, और आप हमारी जर्नी में ऐसे ही बने रहिए। कितने साल से वैष्णो देवी जाने का प्लान था तुम्हारा? 6 साल से। सिर्फ 6 साल से? हाँ यार वो बात तो है, 6 साल से ये प्लान था बना हुआ कि देवी के दर्शन को जाना है जाना है जाना है, पर बोलते ना जब तक देवी का बुलावा ना आए तब तक कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फाइनल स्टेज तक कुछ भी नहीं पहुंचता। बट आज हमारा जाना लिखा था किस्मत में और देवी ने हमको आज बुलाना था, इसलिए हम आज हर तरीके से तैयार होके जाने को तैयार है। हमारी सब बुकिंग्स फाइनल हो चुकी है, ये कंफर्म कंफर्म, मतलब नागपुर से वहां पहुंचने तक और वापस आने तक मेरे सब टिकट कंफर्म है। लास्ट मोमेंट पे एक और चेंज करना पड़ा फ्लाइट का, तो मैंने पहले रेलवे बुक किया, रेलवे टिकट बुक किया, बाद में फिर मैंने फ्लाइट का कैंसिल किया, उसमें अपने को फटका पड़ गया। बाद में वो करने के बाद अभी लास्ट मोमेंट पे चेंज एक और हो गया है कि मेरे पापा भी आने वाले हैं, पापा को भी मूड चेंज हो गया वैष्णो देवी का नाम सुन के, वो भी बोल रहे मैं भी चलता हूँ, तो उनके लिए फिर मैंने अभी समय पे हेलीकॉप्टर टिकट बुक किया है, और नॉर्मल चार्जेस है लगभग 4,200 रुपये पर हेड, मेरे पापा के लिए मुझे लगभग 8,000 मतलब डबल देना पड़ा है। तो लेकिन वो क्या करें, अभी हम लोग हेलीकॉप्टर से चढ़ेंगे, पापा पैदल कैसे चलेंगे ना, तो इसलिए हम लोग ने पापा का भी हेलीकॉप्टर टिकट करवाने के लिए बोल दिया है। अब होगा कि नहीं होगा वो पता चलेगा रास्ते में, लेकिन मैंने मेरे एजेंट जो दोस्त हैं हमारे दर्शन भाव उनको बोल दिया है कि हमारे लिए एक टिकट बनवा दीजिए, तो हमने उनको बोल दिया है अब टिकट बनेगा, अगर टिकट बनेगा तो पापा हम लोग सब हेलीकॉप्टर से ऊपर चढ़ेंगे और आपके साथ वो भी शेयर करेंगे कि वाया हेलीकॉप्टर कैसे जाना है।